जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स की परीक्षा 2 फरवरी 2023 के दिन देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल ऑब्जेक्ट प्रश्न देखने वाले हैं जो सीधे आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं, आने वाले हैं। तो सभी छात्र छात्राओं से आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा, यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आपके परीक्षा में सीधे छपने वाले हैं, उतरने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को व्यर्थ किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको हम सीधे लेकर चलते हैं क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल प्रश्न की ओर। आप लोग इस वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सभी छात्र व छात्राएं ध्यान देंगे, हम आ चुके हैं क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स के सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर जो आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि किसी माध्यम की आपेक्षिक प्रवृत्ता यानी कि इप्सिलॉन आर होती है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल बोआ टाइप का प्रश्न है। इप्सिलॉन आर का मान आपको बताना है। हम आपको दोस्तों ये प्रश्न पहले भी करा चुके हैं और ये प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं मालूम है तो दोस्तों जान लीजिए कि इप्सिलॉन आर बराबर होता है इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इप्सिलॉन आर का मान होता है इप्सिलॉन बटा इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ऑप्शन में मिलाइए आपको कहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी कि दोस्तों के है तो क्वेश्चन और फर्स्ट का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना नीचे में देखते चलिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इप्सिलॉन आर यानी कि आपेक्षिक प्रवृत्ता का जो मान होता है यह होता है इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएंगे, क्वेश्चन और फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते आगे, यहां पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, और आप सभी को मालूम होनी भी चाहिए, और नहीं मालूम है तो जान लीजिए कि बिंदु आवेश Q से R दूरी पर जो विद्युत विभव का मान होता है ये दोस्तों होता है 1/4πε0 और Q बट्टे R, ठीक है। क्या होता है 1/4πε0 क्यू बटे आर। ये देखिए आपको ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, ये दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी कि दोस्तों के है तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एक बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युत विभव का जो मान होता है ये होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, एक एक प्रश्न को माइंड में सेटअप करते चलिएगा, याद करते चलिएगा, यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे छपने वाली है। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है। देखिए आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। ये दोस्तों किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे कि सरफेस, ठीक है, सरफेस डेंसिटी ऑफ जो चार्ज है ये होता है कुल आवेश बट्टा कुल क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है, टोटल चार्ज बटे टोटल एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आवेश का जो पृष्ठीय घनत्व है ये होता है कुल आवेश बट्टा कुल क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों इसका वी राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक एक प्रश्न को याद करते चलिएगा, आराम से इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और जितना हो सकता है इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। और यहाँ से आपको हम बताना चाहेंगे काफी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों आप सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान दीजिए, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पानी का प्रवैद्युत स्थिरांक होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नीचे में देख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर इज। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, ये प्रश्न मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ और ये प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं मालूम है तो दोस्तों जान लीजिए कि पानी का जो प्रवैद्युत स्थिरांक होता है ये 80 के बराबर होता है, यानी कि दोस्तों 80 के बराबर होता है, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है यानी कि प्रवैद्युत स्थिरांक है ये 80 के बराबर होता है, यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्वेश्चन 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि पानी का जो प्रवैद्युत स्थिरांक होता है ये 80 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन 4 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है, और यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे, देखिए बात की जा रही है आर त्रिज्या की, तो आर त्रिज्या की जो पृथ्वी की विद्युत धारिता होगी ये होगी आपको 4πε0 त्रिज्या आर है तो आर हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 तो इसका वी राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आर त्रिज्या की पृथ्वी की जो विद्युत धारिता होती है ये 4πε0 आर के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर 2 तो इसका वी राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
तो चलिए पढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 1 एम्पियर बराबर होता है। कितना आसान प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, 1 एम्पियर बराबर पूछा जा रहा है। तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे, आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा, क्या मालूम होगा? तो एम्पियर बराबर दोस्तों एक फॉर्मूला होता है कूलम्ब पर सेकंड। क्या होता है? कूलम्ब पर सेकंड होता है दोस्तों, ये आपको याद होगा। और नहीं याद है तो जान लीजिए कि एम्पियर बराबर होता है कूलम्ब पर सेकंड होता है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग इस प्रश्न में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो एम्पियर के पीछे में एक लगा दिया है, एक लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो इसके पीछे में एक लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के पीछे में एक एक लग जाएगा। यानी कि दोस्तों कहे तो 1 एम्पियर बराबर हो जाएंगे 1 कूलम्ब पर 1 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको एम दिया गया है, 1 एम्पियर बराबर होता है तो 1 कूलम्ब बटे 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू तो 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए हो जाएंगे, 6 का ए। ठीक है, चलिए पढ़ते आगे। एक एक प्रश्न को याद करते चलिएगा, माइंड में सेटअप करते चलिएगा, यहाँ से सीधे आपकी परीक्षा में प्रश्न छपने वाले हैं, तो आराम से एक एक प्रश्न को याद करते चलिएगा और इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत वाहक बल की इकाई है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे, अगर आपको मालूम नहीं है तो जान लीजिए कि विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो यूनिट होता है दोस्तों, ये होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको सी में दिया गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को हम बताना चाहेंगे, चालक में जो उत्पन्न ऊष्मा होगी ये आपको बराबर हो जाएगी R²RT। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएंगे? R²RT के बराबर हो जाएंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि टी समय तक धारा आई के प्रवाह कारण आर प्रतिरोध के चालक में जो उत्पन्न ऊष्मा होगी ये I²RT के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों 8 का सी हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे और आपको हम बताना चाहेंगे, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। और यहाँ पर दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे, आपको एक फॉर्मूला मालूम होनी चाहिए, टेस्ला बराबर दोस्तों होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये दोस्तों एक फॉर्मूला होता है। आपको नहीं मालूम है तो आप लोग जान लीजिए कि टेस्ला बराबर वेबर पर मीटर स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग थोड़ा प्रश्न में ध्यान दीजिएगा तो 5 टेस्ला का मान आपसे पूछा जा रहा है, कहे तो टेस्ला के पीछे 5 लगा दिया है, तो क्या होगा? अगर टेस्ला के पीछे 5 लगा है तो जो इसका फॉर्मूला होता है इसके भी पीछे क्या लग जाएगा? 5 लग जाएगा, यानी कि दोस्तों ये गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए, तो अब यहाँ पे आप लोग ऑप्शन मिलाइए, तो 5 टेस्ला का मान किसके बराबर हो रहा है? तो 5 गुना वेबर पर मीटर स्क्वायर। और ये दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि टेस्ला बराबर होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्तों टेस्ला के पीछे 5 लगा दिया है इसलिए इसके फॉर्मूला के पीछे 5 लग जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों एक एक प्रश्न को याद करते चलिएगा, माइंड में सेटअप करते चलिएगा, यहाँ से काफी सारे प्रश्न आपके परीक्षा में छपने वाले हैं, उतरने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान जो इस रूप में दिया गया है IRMS और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान जो इस रूप में दिया गया है I0 के बीच संबंध होता है। आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे, इसके बीच संबंध होता है IRMS बराबर हो जाएंगे 0.707 I0। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएंगे। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि IRMS बराबर होता है 0.707 I0 के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते आगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होता है। ये क्या होता है दोस्तों? तो ओमेगा L। ठीक है, ओमेगा L दोस्तों इसका जो है प्रतिघात का जो मान है ये ओमेगा L होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका फी राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। आराम से आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और एक एक प्रश्न को याद करते चलिएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? शक्ति गुणांक के लिए तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे, शक्ति गुणांक जो है
ये बराबर होता है यथार्थ माध्य शक्ति बट्टे आभास माध्य शक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। पावर जो फैक्टर बराबर होता है, ये होता है ट्रू एवरेज पावर बट्टे एपरेट एवरेज पावर। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों इसका सी हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 का सी। चलिए आपको याद रखना है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपकी परीक्षा में आने की बहुत ही संभावना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान होता है, हरे रंग का देखिए आपको बताना है। तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे, हरे यानी कि ग्रीन कलर के जो कोड का मान होता है ये 5 होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेक्टर बी वेग से गतिशील आवेश के ऊपर लगने वाला बल का व्यंजक है। बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न कई बार आपके परीक्षा में छप चुके प्रश्न है और इस बार भी आने की बहुत ही संभावना है। ठीक है, आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे, लगने वाला जो बल का व्यंजक है ये होता है वेक्टर एफ एम। ठीक है, बराबर हो जाएंगे क्यू इंटू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे, देखिए जो ट्रांसफार्मर है ना, ये जो है एसी वोल्टता को बढ़ाता और घटाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर दोस्तों जो है मतलब एसी के, तो अल्टरनेटिंग करंट को जो है मतलब एसी वोल्टता को बढ़ाता और घटाता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट को बढ़ाता और घटाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, या एसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका जो है डी हो जाएंगे, 15 का डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है, ट्रांसफार्मर के लिए जो सही है ये जो है एसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों। चुंबकीय ध्रुव परवलय का एसआई मात्रक, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ का एसआई मात्रक देखिए आपसे पूछा जा रहा है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का एसआई मात्रक। तो आप सभी दोस्तों को हम पहले भी करा चुके हैं, एम्पियर मीटर होता है दोस्तों। क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर मीटर होता है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि चुंबकीय ध्रुव परवलय का जो एसआई मात्रक है ये एम्पियर मीटर होता है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको याद रखना है कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का जो एसआई मात्रक होता है ये एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते आगे। एम्पियर मीटर, यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में छप चुके प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ दोस्तों, 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी में लगा दीजिए टिक, ऑप्शन नंबर इसका वी राइट हो जाएंगे, 17 का भी। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। चलिए इसमें तो ज़्यादा कुछ बताने वाला है नहीं कि मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊं, सिर्फ आपको याद रखना है और एकदम माइंड में सेटअप करते चला है और इस वीडियो को अंत तक बने रहना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, निर्वात की 18 देखिए, कुछ 18 है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। देखिए निर्वात की जो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान है ये शून्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी हो जाएंगे, कुछ 18 का ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते आगे। आपको दोस्तों ध्यान रखना है, निर्वात की जो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है ये शून्य होता है। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन सबंध सही है? यहाँ पर दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे, म्यू के लिए जो सबंध सही है ये तो फॉर्मूला है दोस्तों, म्यू बराबर क्या होता है? तो वी अपॉन एच होता है। ऑप्शन देखिए आपको बीम दिया गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि चुंबकीय यामोतर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र वी, नमन कोण लैम्डा, वेक्टर बी का क्षैतिज घटक बी एच और वेक्टर बी का उदर घटक बी वी हो तो निम्नलिखित में कौन सही है? तो दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे, ये आपको हो जाएंगे हाँ बी एच बराबर दोस्तों हो जाएंगे बी कोस लेमडा, ऑप्शन दोस्तों इसका ए राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। आपको दोस्तों ध्यान रखना है, इसमें जो सही है ये ऑप्शन ए सही है, बी एच बराबर हो जाएंगे बी कोस लेमडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका हो जाएंगे ए, 20 का ए। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, ये तो कई बार आपके परीक्षा में उतर चुके प्रश्न है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की जो दिशा है ये वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समानांतर होती है, पैरेलल टू वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों इसका डी राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी। चलिए आपको याद रखना है, बढ़ते आगे। एक एक प्रश्न को याद करते चलिएगा, यहाँ से काफी सारे प्रश्न आपके परीक्षा में सीधे छपने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? देखिए प्रकाश वर्ष है दोस्तों ये डिस्टेंस यानी कि दूरी का मात्रक है। ठीक है, प्रकाश वर्ष है दोस्तों ये दूरी का मात्रक है, ऑप्शन इसका ए हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते आगे।
यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। बहुत ही आसान प्रश्न, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिम होता है। देखिए दोस्तों, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिम जो है ये आपको मतलब चाहिए काल्पनिक और सीधा, ठीक है, काल्पनिक और सीधा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ऑप्शन दोस्तों इसका ए राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये तो क्लास 10 का क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो दूरदृष्टा। ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएंगे, ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। ये तो फॉर्मूला पूछ लिया है आपसे दोस्तों, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए क्या होता है, अब सभी दोस्तों को मालूम होनी चाहिए, ओमेगा वर्ब क्या होता है, तो म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों इसका ए डॉट हो जाएंगे 25 का ए, ये तो फॉर्मूला है। चलिए याद कर लीजिए आप लोग, ओमेगा वर्ब क्या होता है, तो म्यू वी माइनस म्यू आर बटे म्यू वाई माइनस वन, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते आगे, तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निर्वात में प्रकाश का वेग सी है, ठीक है, कांच म्यू बराबर दिया गया है 3/2 में, इसका मान क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों, देखिए ग्लास का आवर्तनांक क्या होगा, तो ये क्या होता है दोस्तों, किसी भी देखिए किसी भी माध्यम का आवर्तनांक क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों निर्वात में प्रकाश का वेग। देखिए निर्वात में प्रकाश का वेग तो आपको सी दिया गया है, ये होता है बटे, और माध्यम में प्रकाश का वेग, तो माध्यम में प्रकाश का वेग हमको अभी ज्ञात करना है, हमको नहीं मालूम है, ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं हम भी, ठीक है, भी मान लेते हैं। अब देखिए आपको, तो यहाँ पे इसका मान दे दिया है आपको, मतलब ग्लास का जो आवर्तनांक है इसका मान दे दिया है म्यू बराबर 3/2, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोस्तों इसको हम देखिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएंगे, तो 3/2 बराबर हो जाएंगे सी अपॉन वी, ठीक है, वी का मान हमें फाइंड करना है, ठीक है, मतलब इसका मान हो गया और इसका भी मान पूछा है, सिर्फ वी का मान हमें फाइंड करना है ना, मतलब ये तो हो गया किसका, ये मान था दोस्तों इसका कांच का आवर्तनांक था, और ये तो निर्वात प्रकाश का वेग है, ठीक है, सी है, और इसका मान हमें फाइंड करना है, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों वी बराबर क्या हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट आपको लिख कर बता देते हैं, वी बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो सी अपॉन और यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, ठीक है, ये नीचे में चला जाएगा ना, ये नीचे जाएगा, ठीक है, भी बराबर हो जाएगा सी अपॉन 3/2, ये थर्ड रो से ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, तो ये बराबर दोस्तों आ जाएगा 2c/, यहाँ पे 2c/3 हो जाएगा, ठीक है, ये थर्ड रो से ट्रांसफर होगा तो ऊपर जाएगा ना 2c/3, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका देखिए ऑप्शन आपको बी में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26 का, और राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पर दोस्तों देखिए हम देखते देखते आ चुके हैं कुछ पर 27 पे। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई क्या होता है, मैं आपको कई बार करा चुका हूँ दोस्तों, एफ नोट प्लस एफ यू होता है, ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएंगे, सामान्य समायोजन के लिए जो खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है ये एफ नोट प्लस एफ यू होता है, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते आगे, 27 का डी हो जाएंगे, आपको याद रखना है। पढ़ते आगे, यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते क्वेश्चन नंबर 28 पे आ चुके हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, आंख के दोस्तों लेंस की जो फोकस दूरी है लगभग 2 सेंटीमीटर के बराबर होती है। ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी में टिक लगा देंगे, जो कि बिल्कुल गलत ऑप्शन है। आपको दोस्तों प्रश्न में याद रखना है, ध्यान रखना है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी जो होती है ये लगभग दोस्तों 2 सेंटीमीटर के बराबर होती है, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों इसका भी हो जाएंगे, 28 का भी। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। देखिए ये हो जाएंगे इंटेंसिटी, ठीक है, तीव्रता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका भी हो जाएंगे 29 का दोस्तों, ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते आगे, यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है। देखिए यहाँ पर दोस्तों देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, देखिए फोटोन का जो रेस्ट मास होता है ये दोस्तों शून्य होता है, ठीक है, क्या होता है, शून्य होता है दोस्तों, 0 के बराबर होता है। ऑप्शन देखिए आपको एम दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएंगे। आपको याद रखना है दोस्तों, फोटोन का जो रेस्ट मास होता है, फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है ये शून्य होता है। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पर दोस्तों देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और आपसे फॉर्मूला पूछा जा रहा है कि बोर का आवृत्ति शर्त क्या होता है। बोर का आवृत्ति शर्त आप लोग अपने गुरुजी के पास पढ़ेंगे तो आपको भली भांति दोस्तों मालूम होगा, ये होता है ई नोट माइनस ई टू बराबर एच वी, ऑप्शन इसका भी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, बी हो जाएंगे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है बोर का आवृत्ति शर्त क्या हो जाएंगे, बी ऑप्शन बी, ई नोट सॉरी ई नोट नहीं ई वन है, यहाँ पे एक सेकेंड बोलने मिस हो गया, ई वन होता है, ठीक है, ई वन माइनस ई टू बराबर एच वी, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पर देखिए हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है दोस्तों, नाभिकीय संलग्न होता है। ऑप्शन दोस्तों इसका डी हो जाएंगे, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, नाभिकीय संलग्न, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी हो जाएंगे 32 का डी। चलिए
याद करते चलिएगा दोस्तों आप लोग। यहाँ पर देखिए हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित कौन है। देखिए विद्युत का सबसे दोस्तों अच्छा जो चालक है तो फिलहाल ऑप्शन के अनुसार दोस्तों सिल्वर हो जाएगा यानी कि चांदी, ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक है बेस्ट ठीक है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये चांदी हो जाएंगे ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, ठीक है। यानी चांदी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे 33 का ये। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। NOR द्वारक का बुलियन व्यंजक होता है, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग और का जान लेते हैं, और का बुलियन व्यंजक क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि a प्लस बी बराबर वाई, ठीक है, ये होता है और का। और में देखिए n लगा दिया है, n लगा दिया है तो इसके ऊपर एक बार हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ये आपको ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन डी में दिया गया है, a प्लस बी का बार बराबर वाई हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। यहाँ पर दोस्तों आपसे क्या पूछा जा रहा है कि द्विधारी संख्या 10012 की दशमिक संख्या होती है। देखिए आपको जो द्विधारी संख्या दिया गया है इसका दोस्तों दशमिक संख्या आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और यहाँ पे आपको हम बताना चाहेंगे ये कैसे सॉल्व होगा, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए मैं आपको तो दशमिक संख्या से मतलब कि द्विधारी में बदलना सिखा दिया हूँ, ये तो आप लोगों को मालूम होगा, और द्विधारी से दशमिक संख्या में आपको कैसे बदलना है ये भी आप लोग जान लीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, आपको 1001, ठीक है, इसका दोस्तों आपको दशमिक संख्या बताना है। कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ, इधर से आपको काउंट करना होता है मतलब राइट साइड की ओर से, तो यहाँ से काउंट कीजिए। तो पहला संख्या एक है तो एक गुना हो जाएगा 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 0 से शुरुआत होता है चूँकि आपको द्विधारी में बदलना है, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का सिंबल देंगे। दूसरा संख्या क्या है 0, तो यहाँ पर गुना का सिंबल देंगे, 2 की पावर हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस देंगे, फिर अगला क्या है तो फिर देखिए तीसरा संख्या क्या है 0 ही है तो 0 हो जाएगा, 2 की पावर हो जाएगा 2, ठीक है, आपको पावर बढ़ाते चलना है। फिर प्लस देंगे और फिर अगला क्या है तो एक है, 1 रोज 2 पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 3 हो जाएगा। चलिए अब बस हो गया है, इसका फटाफट मान पुट कर लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पर इसको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए बराबर देते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, किसी भी संख्या का पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा, और 1 में 1 से गुना होगा तो 1 होगा। चलिए ये तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस हो गया 0। चलिए यहाँ पे देखिए तो ये भी दोस्तों हो गया 0। चलिए प्लस यहाँ पे देखिए ये 2 की पावर 3 है तो 2 × 4 = 8, और 8 हो जाएगा 8 और 1 क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो दशमिक संख्या है ये क्या आ गया, तो 9, ठीक है, 9 आ गया। तो इसका दोस्तों ठीक है ऑप्शन नंबर दोस्तों सी राइट हो जाएंगे, 1001 का जो द्विधारी है यह दशमिक में 9 का हो जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए तो 9 का दोस्तों ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएंगे 35 का सी। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आपसे हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने पढ़ाई में जुटे रहिए। तो चलिए आपसे हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी दोस्तों को हमारे वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत